सो आई नो वेरी वेल दैट कि ये मेरे यूट्यूब चैनल का टॉपिक नहीं है, बट मैं फिर भी इस वीडियो को बना रहा हूँ और अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड भी करूँगा। तो लास्ट नाइट जो है वो मैं एक मूवी देख के आया हूँ, सुपर 30, जो कि बहुत अच्छी मूवी है। मैं उन सभी लोगों को रिकमेंड करूँगा कि इस मूवी को देखें, क्योंकि बॉलीवुड जो है वो कभी कभी ऐसी मूवियों को बनाता है जो कुछ सीख देती हैं। तो मैं सभी से कहूँगा कि इस मूवी को जाएँ और देखें, वॉच एंड लर्न एंड कुछ सीखें इस मूवी से। तो बेसिकली इस वीडियो को बनाने का जो मेरा पर्पस है वो यही है कि इस मूवी में जो है वो दो क्वेश्चन दिए गए हैं जो कि बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं। उनके आंसर तो लोगों को पता लग गए हैं, बट वो आंसर कैसे करके आए, उनका आंसर क्या रहा, वो लोग अभी भी उसके लॉजिक को समझ नहीं पाए हैं। तो इस वीडियो को मैं आपको वही एक्सप्लेन कराऊंगा कि जो 30 लोग आपस में जो हैंडशेक करेंगे, यानी कि हाथ मिलाएंगे, तो कितने हैंडशेक होंगे। तो उसके आंसर तो सबको पता है कि 435 होगा, 435 होगा, बट ये कोई नहीं जानता कि उसके पीछे का जो लॉजिक है वो कैसे करके 435 जो आंसर आया वो कैसे करके आएगा। और दूसरा जो चतुर सिंह वाला, ये देखिए एक बच्चा फिर आ गया, इतना इरिटेट कर रहे हैं ये बच्चे मुझे कि बार बार मेरी वीडियो को, चौथी बार बना रहा हूँ ये मैं वीडियो, बार बार आता है कोई बच्चा और यहाँ पर भटभट भटभट जाता है और मेरी वीडियो को ख़राब कर देता है। एक ही आ गए महाशय, हाँ ये भी ख़राब कर रहे हैं। तो बट तो अभी हम अपने मेन टॉपिक पे आते हैं। तो जो 435 जो आंसर आया था वो कैसे आया था, वहीं पर मैं इस लॉजिक को यहाँ पर एक्सप्लेन कराने की कोशिश करूँगा। तो वीडियो को पूरा देखें और वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक तो जरूर कर दें यार। सो दोस्तों, जो क्वेश्चन पूछा गया था सुपर 30 में, वो क्वेश्चन था कि जब 30 लोग आपस में हैंडशेक करेंगे तो कितने हैंडशेक होंगे। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, जब 30 लोग आपस में हाथ मिलाएंगे तो कितने हैंडशेक होंगे। तो जो पहला उनका ऋतिक रोशन, जो आनंद कुमार का जिन्होंने रोल निभाया है, आनंद कुमार द्वारा पूछा गया था क्वेश्चन, कि यही क्वेश्चन पूछा गया था। तो उनमें से एक स्टूडेंट ने जो आंसर दिया था, उसने दिया था 30 × 30 इक्वल टू 900, जो कि एक रॉन्ग आंसर था। उनमें से तुरंत ही दूसरी एक गर्ल्स होती है स्टूडेंट, वो कहती है कि एक बंदा अपने हाथ से तो हाथ मिला नहीं सकता, इसीलिए वो मल्टीप्लाई करती है 290 × 13 से, जिसका आंसर आता है 870। ये आंसर भी रॉन्ग था, बट ये सही हो सकता था। ये सही हो सकता था वो कब, ये मैं आपको आगे बताऊंगा ये कब सही हो सकता था। चलिए मैं आपको अभी बता देता हूँ, ये आंसर तब सही हो सकता था, पहले आनंद कुमार के क्वेश्चन को समझें आप। उन्होंने ये पूछा था कि जो हैंड कितने, उन्होंने ये नहीं पूछा था कि हाथ कितने मिले, उन्होंने टाइमिंग नहीं पूछी थी, उन्होंने पूछा था कि हैंड शेक कितने हुए। अब सिंपल सा लॉजिक यहाँ पर ये लगाइए, दो लोगों के बीच, एक पर्सन ये है और एक दूसरा पर्सन ये है, जब दो लोगों के बीच हाथ मिलाया जाएगा तो हाथ तो दो होंगे, लेकिन जो हैंड शेक होगा वो तो केवल एक ही होगा ना, यानी दो हाथों को मिलके एक हैंडशेक बनता है। तो यानी जो 870 जो उसका आंसर आया था वो सही तब हो सकता था जब ऋतिक रोशन यानी आनंद कुमार जी ये पूछते कि कितने टाइम, मतलब कितनी बार हाथ मिलाए मिले 30 लोगों के बीच जब हाथ मिलाए गए तो कितनी बार मिले, लेकिन उन्होंने पूछा था कि कितने हैंडशेक हुए। आई एम रिपीटिंग, कितने हैंडशेक हुए। तो जब दो लोगों के बीच हाथ मिलाया जाता है तो वो एक हैंडशेक होता है। तो यहाँ पर 870 को हम सिंपली 2 से डिवाइडेड कर देंगे, तो जब 870 को 2 से डिवाइडेड करोगे तो इसका जो आंसर आएगा वो 435 आएगा। एक तो ये रहा इसका आंसर। अगर आपको ऐसे भी समझ नहीं आया हो तो सिंपली एक फार्मूला और भी है, आप सिंपली एक काम कीजिए, आप ये थोड़ी बड़ी संख्याएं हो रही हैं, ये थोड़ी बड़ी संख्याएं हो रही हैं, आप सिंपली 2 या 3 पर्सन को ले लो। मान लीजिए 3 लोग हैं, ए बी एंड सी। अब ये 3 लोग जब आपस में हाथ मिलाएंगे तो कितनी बार मिलाएंगे, कितने हैंडशेक होंगे, कितने हैंडशेक होंगे। तो आप अगर सिंपली अगर ऐसे कैलकुलेशन करोगे तो आप सिंपली कह दोगे कि एक बंदा अपने आप से हाथ नहीं मिलाएगा, और सिंपली आप क्या करेंगे कि तो इसका कैलकुलेशन करेंगे, वो करेंगे 2 × 3 = 6। लेकिन ये आपका रॉन्ग आंसर होगा, क्योंकि जब आप यहाँ देख लीजिए, बी से स्टार्ट करते हैं, जब बी अपना हाथ बढ़ाएगा, बी ने अपना हाथ बढ़ाया और ए ने अपना हाथ बढ़ाया, तो हाथ गए 2 और इनके बीच ये 2 हाथ गए, यानी 2 हाथ हो गए, और हैंडशेक जो दोनों के बीच हुआ वो 1,
अब बी फिर से अपना हाथ बढ़ाएगा सी के लिए, सी ने अपना हाथ बढ़ाया, हाथ कितने हुए, एक इसका एक इसका दो, हैंडशेक कितने हुए एक। अब बी तो दोनों से मिला चुका है, ए से भी मिला चुका है, बी सी से भी मिला चुका है, अब बी बी तो दोनों से मिला चुका है तो अब ए और सी के सी मिलाएंगे, ए ने अपना हाथ बढ़ाया, सी ने अपना हाथ बढ़ाया, हाथ बढ़े दो, तो ए ने हाथ बढ़ाया, सी ने हाथ बढ़ाया, हाथ बढ़े दो, लेकिन हैंडशेक हुआ एक। तो अगर आप हम यहां पर हमने जो क्वेश्चन पूछा था वो हैंडशेक पूछे थे, तो एक ये है, एक ये वाला वन प्लस, एक ये वाला वन और एक ये वाला वन, तो बराबर थ्री। और अगर मैं ये पूछता कि कितने कितनी बार हाथ मिले, तो दो दो और दो, यानी दो प्लस दो प्लस दो बराबर छः, लेकिन यहाँ पर बात हुई थी हैंडशेक की, तो आंसर तीन आएगा। तो ये ऐसे ही आप सेम कंडीशन इस वाले के साथ भी लगा सकते हैं। अब एक फार्मूला और भी है, एक फार्मूला ये भी है कि आप सिंपली सारे संख्या को लिख लो, यानी तीस लोग हैं तो वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस फोर प्लस फाइव प्लस सिक्स, ऐसी समथिंग समथिंग 29 एंड प्लस 13, तीस लोग हो गए। अब पहला जो बंदा होगा, यानी पहला पर्सन जो होगा, वो 30 वाले से हाथ मिलाएगा, तो इनके और इनके बीच जो हैंडशेक हुआ वो एक बार हुआ। अब पहला बंदा फिर हाथ बढ़ाएगा 29 वाले के लिए, तो फिर एक बार इनके पास तो होगा, एक हैंडशेक फिर हो गया। तो ऐसे ही जब आप उल्टी काउंटिंग करेंगे तो यहां दो तक आएगा, जो दो तक आएगा वो 29 आएगा, क्योंकि एक बंदा अपने आप से तो हाथ मिला नहीं सकता, तो 29 आएगा। ऐसे ही सेम कंडीशन दो के साथ होगी, दो ऑलरेडी बंद से मिला चुका होगा हाथ, तो इसीलिए वो एक से उसका कोई मैटर नहीं करता, वो सीधे आगे वाली संख्याओं से हाथ मिलाएगा, तब आएगा 28। सेम कंडीशन तीसरे पर्सन के लिए होगी, तो आएगा 27। अब जितना भी आएगा सबको आप जब प्लस करेंगे तब भी इसका आंसर 435 ही आएगा। एक बार आप ट्राई कीजिए, अगर आपको अभी भी कंफ्यूजन है तो मुझसे नीचे कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं।